अस्सलामुअलैकुम गाइस, जी एस के खटक वीलॉग इन टूअर्स में आप सबको खुश आमदेद। जी एस के एडवेंचर, जी एस के सेवन, जी एस के सेवन मैक्स, आप सबको वंस अगेन वेलकम। यहाँ पे आज रात से स्नोफॉल शुरू है मुसलसल और काफ़ी पाँच चार से लेकर चेंज तक स्नोफॉल हुई है बर्फ़, और ये अभी भी मौसम काफ़ी ठंडा है। -6 तक यहाँ पर टेम्परेचर गया हुआ है, और -4 से लेकर 6 तक, और यहाँ पे बारिश भी कल हुई थी, और आज रात से जो है वो स्नोफॉल का सिलसिला भी जारी है। और यहाँ के लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये लोकेशन है नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर आगे फिर मुजफ़्फ़राबाद, मुजफ़्फ़राबाद में नीलम वैली, और नीलम में फिर आगे केरन वैली से ऊपर शारदा, और शारदा से फिर ऊपर आपको केल से पीछे केलसेरी, आपको यहाँ पे ये लोकेशन बताया जाता है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि रोड के हवाले से, रोड अभी तक खुली है, रोड बंद नहीं है, और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई जिसकी वजह से रोड बंद हो, लेकिन फिर भी सुबह जब बारिश, जब बर्फ़बारी थी तो गाड़ी ज़रा एहतियात से जा रही थी, क्योंकि स्लिप वगैरह का ख़तरा हो सकता है। तो यहाँ पर टूरिस्ट हज़रात अभी भी स्टिल आ रहे हैं, और विज़िटर अभी भी, मुझे रास्ते में एक बंदा मिला जो कराची से आया था और गेस्ट रूम बुक करने के लिए मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहा था, तो मैंने उसको गाइड किया। तो यहाँ पे काफ़ी सर्दी है, 4 से लेकर 6 तक माइनस में टेम्परेचर जा रही है, और हमने भी यहाँ पे नाइट स्टे किए। तो आगे हम कल गए थे, जिस तरह आप पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हम गए थे केल, और इसके आगे हम अड़ंगकेल भी गए थे, जो कि चेयर लेफ्ट में हमने ट्रेवल किया था, और इसके बाद फिर हम वापस आए। तो रात से फिर बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो कल हमारा प्लान है, इंशाल्लाह हम जाएंगे शारदा, और शारदा में हम बोट राइडिंग भी करेंगे, और वहाँ पे मज़ीद जितने भी एडवेंचर्स हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो बाकी ये है कि यहाँ पर एक फिश फॉर्म है जो कि सरकारी है, तो इसमें भी अभी मैं कोशिश करता हूँ मैं एंटर होके इससे इनसे ज़रा फ़िश वगैरह लेते हैं और बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सर्दी है तो फ़िश और भी मज़ा आएगा, ऊपर हम खुद कुकिंग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और ये नीलम वैली आपको अच्छी लगेगी, केल, अड़ंगकेल, शारदा, और ये नीलम वैली केरन वाली साइड पर, ये सारी जगह आप विज़िट करें, ये काफ़ी खूबसूरत और अच्छी जगह है, क्योंकि अगर आप ऑफ सीज़न में भी आ जाते हैं तो स्नोफॉल कम अज़ कम आप इंजॉय कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप आए तो यहाँ पे अप्रैल मार्च और मई जून में आए, क्योंकि ग्रीनरी होती है फुल और मौसम भी सही रहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, आएंगे उन्हीं महीनों में भी, लेकिन हमने कहा चलो अभी ऑफ सीज़न में भी ज़रा चेक करते हैं। तो मोस्ट वेलकम, आप आए, ज़रूर आए, एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, और नीलम वैली आज़ाद कश्मीर का ये नज़ारा आप भी देख लें अपनी आंखों से। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।